गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और अभी जस्ट मैं उठी हूँ, 7:08 हुए हैं और अभी मुझे शावर लेना है। दिल तो नहीं जा रहा शावर लेने का, लेकिन बाल मेरे बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं क्योंकि कल विंडो खोली हुई थी मैंने, जिसकी वजह से बाल और के मेरे सारे ख़राब हुए हैं। तो अभी मैंने शॉवर लेकर फिर जल्दी से तैयार होना है, क्लॉथ्स मैंने रखने हैं, कपड़े मैंने आज दो रखने हैं बिकॉज वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होने वाली है उसके अकॉर्डिंग, और रास्ते में पहन के जाने के लिए भी, यानी अपर वगैरह मैंने साथ एक्स्ट्रा रखने हैं। आ गई है, लाइट ऑफ थी अभी आई है, अब गीजर ऑन करती हूँ और फिर शॉवर लेती हूँ। मैंने हस्बैंड के पहने में ये हमारी बस खड़ी हुई है, प्यारी बस। जरा अभी वो चेक करें, आज धूप है, कल वैसे धूप नहीं थी। ओके, सो सीन अब कुछ यूँ है कि देवसई में बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वार्म कपड़े रखने हैं, और लेकिन यहाँ से निकलना है तो यहाँ पे तो गर्मी है, इतना कोई बहुत ख़ास ठंडा मौसम नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से निकलने के लिए हमें कैजुअल पहनने पड़ेंगे नॉर्मल मौसम के लिहाज से वो, और लेकर साथ जाने के लिए रखने के लिए दूसरे, ये अपर है, साथ टॉप तो मैं ये पहन रही हूँ, अब पता नहीं चल रहा ये पहनूँ या इनर ये वाली पहनूँ स्लीवलेस, उसके ऊपर दूसरी कोई भी हैवी शर्ट या स्वेटर पहन लूँ, अब डिसाइड करती हूँ। बाकी ये मैंने हस्बैंड के लिए ये स्वेट शर्ट और जो है अपर जो है वो रख लिया, अपने लिए एक्स्ट्रा स्वेटर भी रख लिया है ताकि पिक्चर बना लूँ अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो चेंज करना पड़ा। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो कोट भी है और ये मेरा बैग खुला हुआ है। खैर देखते हैं अब क्या सीन बनता है, चले फिर बात करते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग होटल से निकले हैं, अब जाएंगे रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करना है, देन हम लोगों ने देवसई के लिए निकल जाना है यहाँ से, क्योंकि देवसई का डिस्टेंस जो है यहाँ से स्कर्दू से काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 4:30 to 5 hours का, यानी कि हमें 10 hours तो जस्ट ट्रैवल करना है, आने जाने में लगेगा। सो होप्स ऑफ टाइम से पहुँच जाए। निकले तो हम लोग, क्या टाइम है अभी, 9 बजे, हाँ 9 बजे हम लोग निकल रहे हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, 9:30-10 हो जाएंगे, यानी 10 बजे हम लोग बेसिकली स्कर्दू से निकलेंगे। जुड़ी है मेरे ना शेड्स टूट के थे, तो हमारे जो टूरिस्ट गाइड हैं अहमद भाई वो उसको सेट करें। अहमद भाई हो जाएगा ना ठीक? हाँ अभी इंशाल्लाह। ओके चले, ठीक होती है तो मैं ट्राई कर रहे हैं, होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पे हम लोग रास्ते में थे देवसई के, और रास्ता बहुत बहुत ज़्यादा वियर्ड था, ऊंचा नीचा और ऐसे सर्कल बने हुए थे रोड्स के, और हमें ऊपर जाना था बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे। तो खैर ये हम सबसे पहले अपने स्पॉट पे पहुँचे हैं देवसई प्लेन पे, जहाँ यहाँ पे भी कोई लेक नहीं थी, कोई पानी नहीं था, जस्ट प्लेन एरिया था। अभी हम लोग रुकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का है। सो अभी हम लोग देवसई उतरे हैं, ये भी हम लोग बिल्कुल टॉप पे नहीं आए, बट देवसई प्लेन एरिया जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। ये देखें ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही प्यारा, बादलों के पास है हम लोग बिल्कुल, सही से दिख रहा है कि नहीं, पर लाइव जो व्यू होता है आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको वीडियोस में या पिक्चर्स में, कैप्चर ही नहीं कर सकते इस तरह का। ये देखें मैंने अपना अपर पहन लिया क्योंकि बहुत ठंड है, बहुत शदीद ठंड है, बेयर नहीं आप कर सकते, ऐसी ठंड है। और यहाँ पे बसेस नहीं आती, आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है प्राइवेट कुछ भी अरेंज करना होता है,
सो आप उससे आते हो और सारे पहाड़ के ऊपर इस तरह करके व्हीलिंग वे में रास्ता बना हुआ है। मैं कहती हूँ सल्यूट है इंजीनियर्स पे जिन्होंने ये रास्ता ढूंढा और बनाया। जैसे वो गाड़ियाँ आ रही हैं ना ऊपर से, मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि मैं बैक सीट पर बैठी हूँ, ठीक से वीडियो बना नहीं पा रही। अब फिर मैं कमिंग वे पे बनाऊँगी। अच्छा तो अब हम आए नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। ये यहाँ पे ये कौन सी है, कौन सा पानी है ये? छोटा पानी। ये छोटा पानी है। ओके ये मेरी फ्रेंड है, कहती मुझे भी ब्लॉग में लेकर आए। छोटे पानी का, बड़ा पानी आगे है, इसको ये कहते हैं यहाँ पे। ये तो ब्रिज है जहाँ से गाड़ियाँ जा कर, फिर हमें और आगे जाना है। बहुत ऊंचाई पे हम आई गेस इस वक्त 14,000 फीट की ऊंचाई पे, हमने 16,000 फीट पे जाना है या 18,000 पे, आई एम नॉट श्योर। ये देखिए मुझे नहीं, आप रहने दो साथी, नहीं रहने दो, मैं कितनी दफ़ा कहूँ। सब यहाँ से हम लोग निकले थे छोटा पानी से बड़े पानी की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिस्टेंस था। उसे बड़ा पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वाइड इतना ज़्यादा नहीं था। आगे जब हम जाएंगे तो काफ़ी खुला है, मतलब वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा दिखता है। तो हम उस की तरफ जा रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने पहले बड़ा पानी पे स्टे किया, फिर उसके आगे हम लोगों ने थोड़ा सा आगे गए थे, काला पानी था, हमने वहाँ पर स्टे करना है। फिर उसके आगे हम लोग गए थे सतपारा लेक, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। चलिए देखते हैं। ये बड़ा पानी है और मैं तो बस बैठ गई हूँ। इतना अजीब तरह, इतना अजीब रास्ता है ना देवसई का, बहुत बहुत ज़्यादा अजीब। मेरा तो सर चकरा रहा है इस टाइम पे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा कुछ भी अभी करने का। और मैं यहाँ पे बस बैठ के मैं डिसिप्लिन खाऊंगी। मेरा दूसरा फ़ोन पड़ा है, लिपस्टिक्स हैं, डिस्प्रेन है, अभी मैं ये खाऊंगी क्योंकि सर बहुत दुख रहा है। ये हमारे बसमेट्स हैं और बहुत बहुत अच्छे खड़े में बोल रहे, वीडियो बना रही हूँ मैं ये पोज दे रहे हैं पिक्चर का, मैं वीडियो बना रही हूँ। आ जाए, आए फैसल भाई, इधर आए, रिलैक्स तो हाँ, आराम ना, अपना फिरो ना। आए ये फैसल भाई हैं, वो पीछे सादिया हैं। अच्छा फैसल भाई, आपको कैसा लग रहा है आके? इतना सफर करने के बाद अब जाके मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। ओके ओके, पता ये पीसफुल जगह है, हां इसीलिए तुम कहना फोटो छोड़ो और इधर एक चीज दिल से निकल रही है, सुभान अल्लाह सुभान तेरी। बिल्कुल, और वो इनकी मदर जो है बच्चों की, वो उनका शूट कर रही है। बिल्कुल अल्लाह की नेमत है हमारे मुल्क के लिए। इसके बाद हम लोग जा रहे थे काला पानी की तरफ और फिर लास्ट में हमारा जो स्टॉप था वो सतपारा लेक था। और बिलीव करें इस कदर खूबसूरत है देवसई, मतलब आप अगर देखो दूर दूर तक आपको बादल ऐसे दिखेंगे जैसे बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, और क्योंकि हाइट पे बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से भी बहुत खूबसूरत लगता है। बस जो बुरी चीज़ इसकी है कि इसका रास्ता, इसका जो सफ़र है वो बहुत गंदा है। मेरे तो सर में दर्द स्टार्ट हो गया था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, इवन मेरे हस्बैंड की भी बहुत ख़राब हो गई थी। पर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ टॉप पे पहुँचे, फिर वहाँ से हमने कुछ खाया पिया और मेडिसिन वहाँ पे जाकर मैंने ली, क्योंकि ऐसे तो एम्प्टी स्टमक तो मैं ले नहीं सकती थी मेडिसिन, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती। पर खैर रास्ता बहुत ख़राब लेकिन खूबसूरत मंजर था। अगर आप बस सर ना दुख रहा हो ना फिर आपको ये जगह बहुत प्यारी लगेगी, अदरवाइज़ तो काम ख़राब हो जाएगा।
इवन आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इतना ख़राब रास्ता था कि पत्थर पत्थर पत्थर, पहले ही हेडेक हो रहा था, उसके बाद और ज़्यादा स्टार्ट हो गया और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। बाकी आपको पता इतना सा रोड था, ट्रैफिक जा भी रही थी और आ भी रही थी, यही एक रूट था। और यहाँ पे जो ट्रक्स है ना, बिल्कुल पास से गुजर रहे थे। मैं तो कहती हूँ सल्यूट है इन ट्रक ड्राइवर्स को, जो कि अब ये लेकर नीचे इन्होंने जाना है बॉटम पे, क्योंकि बहुत देर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। और जिस रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं ना, वो इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक था, मुझे तो बहुत डर लगता रहा। वैसे मुझसे अगर कोई पूछे ना, तो मैं दोबारा देर से ही नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगा और मेरी तबीयत भी ख़राब हुई थी। बाकी ये देखें, इतना आप व्हीकल्स आपके इतने क्लोज होकर साथ से गुजरते हैं, और अगर ये बिल्कुल नीचे हमें आमना सामना हमारा ट्रक के साथ हुआ होता ना, तो फिर ज़्यादा डेंजरस था। पर खैर जैसे तैसे करके हमने पार किया। अभी हम काला पानी पे उतरे हैं, क्योंकि काला पानी इसलिए कहा जाता है, इसके जो स्टोन्स हैं अंदर वो ब्लैक है, जिसकी वजह से पानी डार्क लगता है। हेडेक है, मैं बस मेडिसिन लेकर बैठने लगी। नो मोर पिक्चर्स। हम जा रहे हैं नीचे। ये देखें काला पानी जो है वो ये है। व्यू इसका बहुत अच्छा, धूप शुक्र है निकली है, बिकॉज़ पहले तो बस हो गई थी हमारी। लेकिन इस एक बात है, इससे जो नीचे लोअर एरिया है वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, हालांकि ये ज़्यादा ऊंचाई पे है। काफी है सारा पानी, इधर है ही बर्फ। दूसरा भी बर्फ था, अंदर भी बर्फ ही है। नहीं वो तो मैंने थोड़ा सा धोया। ये देखिए यहाँ पे साइकिलिंग भी हो रही है, ये साइकिल पे नीचे जाएंगे। नहीं मुझे लगता है गाड़ी इन्हीं की है, साइकिल लेकर आए होंगे, थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। Then, I don't think so, कुछ भी नहीं है साथ, ये गाड़ी वाला खाली गाड़ी है पीछे। ओए यार डाल दे। हम लोग शिवसर, मुझे झीलकन सही नाम नहीं आ रहा, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन तबीयत मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत ख़राब हो गई। तो बिल्कुल ऐसे जैसे सर भारी, वॉमिट, मेडिसिन लेनी थी लेकिन कुछ खाया नहीं हुआ था। तो हमें जो ड्राइवर है वो ऊपर थोड़ा सा ऊपर और लेकर आया, पता नहीं कौन सी जगह है, उससे भी ऊपर है देवसई से भी। बहुत ठंड है यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें लेकर आया। अब हम कुछ मंगवा कर खाते हैं ताकि मेडिसिन ले सकें। हम जस्ट दोनों आए हैं अभी फ़िलहाल इधर, फिर से वो नीचे जो झील है उधर ही स्टे कर रहे हैं। ठंड बहुत लगी हुई है, मैंने तो पफर पहन लिया है। और चलें अब कुछ खाते हैं। यहाँ पे हमें ये मिला है चने के, चने और साथ रोटियाँ, हमने अभी चाय भी खा है, चाय आती है। तो फिर ये है किचन, यहाँ पर बन रहा है कोई कोरियन है शायद या फॉरनर है टूरिस्ट, वो यहाँ पे आया है। ये जो कैबिन्स बने हुए हैं, टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही कोई क़यामत खेज ठंड है, मेरे हाथ जो हैं फ्रीज हो चुके हैं, बिल्कुल काम नहीं करे। अब बस हम यहाँ से जाएंगे, मेडिसिन लेते हैं। वैसे आ गए हैं ना, चले उठ। व्हाट्स योर नेम? ओके, हाउ मेनी डेज यू हैव बीन इन हियर? Yeah. Okay. You're exploring northern sides? Yeah, only. Or entire Pakistan? Only Pakistan. Okay. 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 Solo trip? Yeah. Yeah, it's your bike. All alone. Yes. All alone. You purchased this bike from here? No, my friend. Okay, okay. You've rented it? Okay, so how's your experience? I like Pakistan to stay.
ओके ओके सो डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल और समथिंग ओके यू आर नॉट सोशलाइज्ड लाइक ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स ओके इट इज़ नाइस मीटिंग यू थैंक यू थैंक यू ये इनका यहाँ पे किचन है ये बना लो वीडियो अच्छा ये यहाँ पे रोटी बन रही है खाना खाया जा रहा है और अच्छा माहौल है यहाँ का हमने यहाँ से चीज़ें परचेज़ की और खाना खाया चले अब हम चलेंगे वापस बेशक बहुत प्यारा है लेकिन सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग और आपको थका देने वाला और यकीन करें अभी इस वक्त मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है ये सब कुछ देखकर जस्ट बिकॉज ऑफ सर दर्द और वॉमिट फील हो रही थी अभी मैंने मेडिसिन खाई है डिस्प्रिन ली है मैंने मेरे हस्बैंड ने भी और बस हम लोग जो है यहाँ से निकलेंगे मैंने तो ये बिल्कुल टफ हुडी पहन लिया है बाकी अब हम लोग जाएँगे वापस चलिए सो वापसी पे हमारा कुछ सबका यूं ही हाल था बस हो चुकी थी सबकी और ऊपर से बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ख़तरनाक जैसे कि मैंने पहले भी बताया था रास्ता था और ड्राइवर हमें मज़ीद डरा रहा था कि अगर तो बाजी बारिश स्टार्ट हो गई तो काम ख़राब हो जाना है तो और खौफ आ रहा था तो आते वक्त तो हमें तकरीबन 4.5-5 घंटे लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता आए लेकिन वापसी पर ड्राइवर ने बहुत तेज़ी से ड्राइव किया कि रोशनी रहते हमें नीचे पहुंचना है नहीं तो मुश्किल हो सकती है तो हम लोग 3.5 घंटे में जो थे वो नीचे पहुँच गए थे स्कर्दू उसके बाद हम लोग आगे गए हैं होटल पहुंचने के बाद रात को खाना खाने गए डिनर किया और फिर हम लोग वापस आए वापसी भी हमने चाय पी तो वो भी सब मैं आगे आपको दिखाती हूँ पर बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था लेकिन मुझे डर लग रहा था मुसलसल हमें ड्राइवर ने डराए रखा है कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो खैर अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हम लोग गए खैरियत से वापस आ गए पर एक चीज़ मुझे है कि मैंने अब दोबारा देव से ही मे बी जाऊँ ना जाऊँ पर कोई मेरी विश नहीं है कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ पर अच्छा खूबसूरत अगर आपको फ़ोटोशूट करना है अपने नेचर को एंजॉय करना है तो यू मस्ट शूट काम एल्सवाइज अगर आपको थकावट होने वाला इंसान हो ना आप तो फिर तो आपके लिए इट्स अ नो नो ये खाई है अभी हमें सारा नीचे जाना है बिल्कुल ही नीचे इस सारे पहाड़ क्रॉस करना है पहुँचे हैं अपने होटल में मैं जा रही हूँ अंदर मैं गिरने लगी थी लोग के अभी आके शूज़ उतारे हैं और चीज़ें जस्ट रखी हैं थक के चूर हो गए हैं अब मैं आपको जो ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना वो मेरा ये है कि अच्छी है ख़ूबसूरत जगह है देवसई लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जितनी जो शिगर वैली वगैरह साइड पे जैसे मैंने कल आपको दिखाई थी अब मुझे वो याद नहीं आ रहा नाम कौन सा बीच हम कहाँ गए थे जो मैंने आपको एप्पल फार्म दिखाया था एप्पल के पता नहीं क्या बोल रही हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट बहुत थकी हुई हूँ डू अंडरस्टैंड अब मैंने अपनी चीज़ें जो है वो सारी
समेट कर और बैग पैक करके, क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है नारायण के लिए, तो सुबह सुबह उठ के काम नहीं होता. सो मैंने पहले ही सब कुछ जो है वो सारा असेंबल करके रख लिया है. अब बस सुबह पहनने वाले कपड़े मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं, बाकी नाइट ड्रेसेस रखे हैं. और अभी जस्ट रेस्ट कर रही हूँ. इसके बाद हम लोगों ने रेस्टोरेंट जाना है, डिनर करना है, फिर थोड़ा सा बाय वॉक करेंगे, देन सो जाना है. सो आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला. सो या टेक केयर, अल्लाह के ईमान में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिए और दूसरों को भी जीने दें. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़. इस छोटी बच्ची ने ना बहुत हमें तंग किया है. इसका पैम्पर गंदा हो गया है, पूरी गाड़ी इसकी वजह से रुकी है कि पहले पैम्पर चेंज हो फिर हम होटल जाएंगे. और मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, आई एम सॉरी. हम लोग आए हैं टी स्टॉल पे. इधर आ जाओ, हम इधर आओ. नहीं, माओ को फिर नहीं पता चलता. अभी पैम्पर चेंज होगा और ये हमारे ड्राइवर है. ठीक है, ये ड्राइवर है जो गए. और अभी हम आए हैं टी स्टॉल पे कर दूँ की अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में मुझे नहीं है अभी किस. ये देखिए, ये पराठे बना रहे हैं यहाँ पे. कितने अच्छे से कर रहे हैं. ये पराठे जी, पराठे में अच्छे तैयार. हाँ जी, ये मंडी है तैयार करो. आप गर्मियों में ले रही हैं उसमें? नहीं, वो तो यही तो एंटरटेनिंग होता है. मैं कह रही हूँ हम बस में जाओ. ये बच्चों का कुछ पता नहीं होता कि ये कह रही हूँ. चले आ जाए. ये है BFC. आपने कभी BFC देखे? अब हम जाएंगे बस में ही पियेंगे चाय, क्योंकि वो जो फैमिली हॉल था वो वहाँ पे स्मेल बहुत है. सो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये लॉक्ड है? नहीं, लॉक्ड है स्टिल. ये मेरा टी स्टॉल खुल गया. अभी एसी का नीड तो नहीं है? नहीं नहीं, हम लोग दरवाजा खोल के बैठे हैं. थैंक यू. हाँ जी, मामा मेरी चाय. ये थोड़ा आगे हुक कर दो, प्लेट इधर ही रख दो. थैंक यू. एक चम्मच ला दो. आप यहाँ रख दो, इधर इधर रख दो. एक चम्मच ला दो मेरा. चाय आई है, दूध पत्ती. मीठा इसमें कम डलवाया और कहा था स्ट्रॉन्ग बनाया. सो ये था हमारा सफ़र. अब हम जा रहे हैं वापस होटल में. आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और दुआ में याद रखिए, खुश रहें और खुश रहने दें. और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. अल्लाह हाफिज़.